हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू में एडमिशन ले चुके हो या फिर लेने वाले हो, तो यहाँ पर किस तरीके से आपको बुक जो है इशू की जाती है, हार्ड कॉपी किस तरीके से आपके घर पे आएगी, कैसे ट्रैक करें उसका स्टेटस, और अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन PDF डाउनलोड करो कंप्लीट बुक की, कंप्लीट बुक आपको कंप्लीटली फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन, तो ये आपको कैसे डाउनलोड करनी, कहाँ से डाउनलोड करनी, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं मैं इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड हर तरह की अपडेट देता रहता हूँ। अब और शायद यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है इग्नू से रिलेटेड या इग्नू वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली मैं उसके रिगार्डिंग भी अपडेट आपको यहाँ पर दे दूंगा। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए यहाँ पर इग्नू की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टडी मटेरियल स्टेटस वाला सेक्शन, और इसका जो लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आपको अलग अलग सेशन का लिंक गिवन है। जिस भी सेशन में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसी लिंक पे क्लिक करके आपको अपना स्टेटस जो है वो चेक करना है। यहाँ पर जो अभी जुलाई 2022 वाला सेशन है इसका लिंक ओपन नहीं हो रहा है, बिकॉज टेक्निकल इशू की वजह से वेबसाइट जो है ओपन नहीं हो रही है। मैं अभी फिलहाल जनवरी 2022 वाला एज ए एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आप एक वेबसाइट ओपन हो गया है जहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अगर लिख करके आता है डेटा नॉट अवेलेबल, ऐसे लिख के आता है नॉट अवेलेबल करके, तो इसका मतलब है कि इग्नू ने अभी तक आपको बुक नहीं भेजी है। क्या बोला मैंने, अगर नॉट अवेलेबल लिख के आएगा तो इसका मतलब इग्नू ने आपको बुक नहीं भेजी है। और अगर आगे प्रोसीड हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आती है तो इसका मतलब है कि आपको इग्नू ने बुक भेज दी है। अब गाइस किस तरीके से चेक करना है यहाँ पे आपको अपना स्टेटस, तो देखिए गाइस यहाँ पर अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है दैट इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, तो इसका मतलब है कि इस डेट तक आपको वेट करना है, बुक आ जाएगी। अगर बुक नहीं आती है तो यहाँ पर बारकोड मेंशन होता है, इस बारकोड को आप ट्रैक कर सकते हो ऑनलाइन। अभी ट्रैक कैसे करते हैं मैं एक बार आपको ये समझा देता हूँ किस तरीके से आपको ट्रैक करना होता है। सबसे पहले आपको इस बारकोड को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको इस इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आपका जो अभी हमने कॉपी किया था नंबर, कंसाइनमेंट नंबर, उसको यहाँ पर डालना है। देन यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, 7411 होता है, यहाँ पर 11 लिख करके सर्च पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आपके सामने कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी कि भाई ये जो बुक है कब निकली, कहाँ से निकली, कहाँ पहुँची है, और अभी तक अगर आपके घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस में पहुँच चुकी है लेकिन आपके घर पे नहीं आई है, तो वैसे में आप पोस्ट ऑफिस विजिट कर लेना। जब आप एक बार पोस्ट ऑफिस चले जाओगे अपना आईडी कार्ड लेकर के जाना, कोई सा भी आईडी कार्ड ले लेना, तो जरूरी नहीं कि इग्नू का आईडी कार्ड हो, मतलब आधार कार्ड वगैरह भी ले सकते हो। तो जब आप जाओगे आप, तो आपको वहाँ पर बुक मिल जाएंगी आपके पोस्ट ऑफिस में, लेकिन तभी जाना जब यहाँ पे दिखा रहा हो इस वाले वेबसाइट पे दिख जाए कि आपके घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस में आ चुकी हैं, तभी जाना, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर लेना, आपके घर पे बुक्स आ जाएंगी। हाँ मैं आपको समझा देता हूँ प्रोसेस की किस तरीके से आपको PDF डाउनलोड करनी है कम्प्लीटली फ्री। सो गाइज दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ई ज्ञान कोश, जो कि इग्नू की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको इग्नू का रिसोर्स मटेरियल जो है आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो यहाँ पे कोर्सेज वगैरह भी आप देख सकते हैं, कोर्सेज वगैरह ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो भी आपका कोड है ना, जैसे मैं आपको दिखा समझा देता हूँ अभी, आपको आपका कोड पता है, जैसे कोर्स कोड है यहाँ पर MS22 61 64 92 41 इस तरीके से। तो जो MS22 वाला है, सपोज करो मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ, इसकी मुझे PDF डाउनलोड करनी है MS22 की, तो यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट का कोड डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखता हूँ MS22 और लिख करके सर्च करूंगा, यहाँ पर सर्च का बटन है, जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो अभी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, अभी थोड़ा स्लो चल रही है। तो गाइस देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा, यहाँ पर MS22 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपका सब्जेक्ट नाम लिख करके आ जाएगा, और जैसे ही अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जो भी चैप्टर वगैरह है वो ओपन होकर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए चैप्टर ओपन हो चुके हैं, ब्लॉक 1 2 3 4 करके, चार ही ब्लॉक होते हैं, तो यहाँ कई बार 5 ब्लॉक भी हो सकते हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो PDF है वो ओपन हो जाएगी, फिर मैं उसको डाउनलोड कर पाऊंगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ ओपन करके, सपोज कर मैंने ब्लॉक 1 पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पर यूनिट 1 2 3 4 करके होते हैं, मतलब ब्लॉक के अंदर भी चैप्टर वाइज होते हैं। तो सपोज मुझे पहला चैप्टर पढ़ना है, इसकी PDF डाउनलोड करनी है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट 1 PDF ये, और यहाँ पर आपको व्यू और ओपन करके यहाँ पर लिंक गिवन है। तो यहाँ पर मैं व्यू और ओपन कर लेता हूँ, तो इस तरीके से ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन गिवन है ऊपर, यहाँ पर ऊपर की तरफ डाउनलोड का ऑप्शन गिवन होता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो इस PDF को कम्प्लीटली फ्री। अब यहाँ पर गाइज ये चीज़ है कि आपको अलग अलग जो है डाउनलोड करना पड़ेगा अलग अलग चैप्टर को। यहाँ पर कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी बुक होती है, जैसे हार्ड कॉपी में आएगी ऐसी सॉफ्ट कॉपी हमें यहाँ पर आपको कम्प्लीटली फ्री में अवेलेबल होती है, तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। अगर बुक आपके घर पे नहीं पहुंची है तो अभी आप PDF डाउनलोड करके पढ़ाई स्टार्ट कर लो,
और अगर अगर बुक पहुंच चुकी है तो अच्छी बात है, बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। सो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको यहाँ पर बुक डाउनलोड करनी होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप फ्यूचर में बीएड करने का प्लान करें तो मैंने बीएड के लिए यहाँ पर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है किस तरीके से आप बीएड कर पाएंगे इग्नू से। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर आपको इग्नू में आपने एडमिशन लिया है तो आपको बिना बुक पढ़े किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उसको मैंने आपको समझाया था किस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि इग्नू में आप कम टाइम में अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो जाएँ। सो गाइज ये अभी वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, यहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं सभी वीडियोस के। और गाइज हमें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। फ्यूचर में आपको हर तरीके के अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है, अभी भी कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशन चैनल। थैंक यू सो मच।